फटाफट से बात करेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ सिटाडेल हनी बनी, जो कि एक हॉलीवुड का कंटेंट है जिसपे अपनी प्रियंका भा उनका था, जो कि यहाँ पे कुछ खास चला नहीं। उसी का जो है एक इंडियन वर्जन बनाया गया है जिसमें जो है हनी बनी का रोल प्ले कर रहे हैं। हनी समानता है, वहीं पे वरुण धवन जो है वो बनी है। ये दोनों पहले हस्बैंड वाइफ थे, बाद में जाकर के अलग हो जाते हैं। अभी हनी के पास में एक बेटी है जो कि आगे चल करके प्रियंका चोपड़ा हो सकती है, हाँ नादिया, क्योंकि वो नादिया का रोल प्ले कर रही होती है। अब ये किस तरह से होने वाला है, क्या होगा, वो चीज भाई देखना पड़ेगा। अभी अगर ट्रेलर की बात की जाए तो क्वाइट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बीच में जिस तरह से वो आता ना, जब बात करते मतलब जो रविश कुमार का एक बार पैरोडी बनाया था कि इन हरामखोर बच्चों के लिए हम पेड़ पौधे अनाज और ये सब ग्लेशियर बचा रहे, गल जाने दो साले, बह जाएंगे उसी में। वो बंदा जिस तरह से कहता है दिल्ली से हूं बैठ चो भाई, वो बंदा, उसके बाद से जो कबीर सिंह का दोस्त बना हुआ रहता वो बंदा आके कहता तो लड़ना, रुका क्यों है, लड़ भाई, भयानक, मतलब एकदम भयानक, मुंबई से हूं दिल्ली से हूं, लड़ना बे लड़। तो हां ट्रेलर अच्छी है। वहीं पे अब बात करते हैं जाट की। आज मैं जिम में था और अचानक से स्क्रॉल कर रहा था रेस्ट टाइम पे, और देखा भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं ना पढ़ा, फिर शायद ये मॉफ्ट है, फिर गौर से देखा यार एकदम वेरीफाइड हैंडल से ही डाला गया है। तो भाई देख के मैं हिल गया। और सनी देओल की नेक्स्ट मूवी जो है, मतलब एक मूवी अनाउंस कर दी गई है, सनी पाजी आ रहे हैं जाट, एज जाट, नो इफ नो बट ओनली जाट, वही वाली बात होगी शायद। पर मेरी फट के चार हो गई जब मैंने देखा के हाथ में एक पंखा है। मैंने जो अपना दिमाग दौड़ाया वो यही लगा, सनी पाजी अगर हैंडपंप उखाड़ सकते हैं तो चलती हेलीकॉप्टर के ऊपर से उसका पंखा क्यों नहीं उखाड़ सकते यार, हाँ होगा सही है। फिर बाद में पता चला है कि नहीं, ये विंड मिल जो होता है, जो रहता ना वो फिल्मों वगैरह में दिखाते हैं एकदम खाली सड़क पे, पैरालेलर करके कुछ होता है या पैरालेलर करके होता है, मुझे नहीं पता है, वो कोई चीज है जो हवा में घूम रहा होता है। तो भाई साहब अभी ये करने वाले हैं यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सनी पाजी जो है अब ये करेंगे, मतलब क्रिंज इंटू 100 नहीं, क्रिंज इंटू 1,000,100 ऐसा बोल दो यार, मतलब क्या कुछ भी मचा रहे भाई। पर मैं कह रहा हूँ ये फिल्म भी जो है 1,000 करोड़ लेके चली जाएगी। आजकल तो मैं देख रहा हूँ घटिया फिल्म जबरदस्त बिजनेस कर रही है, अच्छी फिल्म कोई पूछ नहीं रहा है। मैं भी बन जाता हूँ यार फिल्म मेकर के जैसे, तुम लोगों को तमीज नहीं है फिल्म देखने की, अच्छी फिल्म तुम लोग देख नहीं पाओगे, ऐसा बोल सकता हूँ पर नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ओके, एक और सीरीज, एक और ट्रेलर आ गया है, एकदम सही टाइम पे ट्रेलर ड्रॉप किया गया और सही टाइम पे रिलीज होने जा रही है। 25th October रिलीज होने जा रही है हनुमान द लेजेंड, हाँ जो एनिमेटेड सीरीज आई थी जिसका 5वां सीजन का हम वेट कर रहे हैं कि कब रावण के साथ में वो युद्ध जीतेगा और लंका पूरा दहन होगा और हमारी सीता माता जो है राम जी के पास में वापस आएगी और हनुमान जी लेकर के आएंगे। Honestly speaking भाई, आदि पुरुष कह लो या जितने भी बड़े बड़े आपने फिल्म देख लिए होंगे जो कि भाई बुरे तरह से पिटी और भाई VFX के नाम पे हगा है, भाई उसके सामने में ये सीरीज बहुत ही ज्यादा भव्य लगता है। और खास करके अभी बाहुबली का एक आया था प्रीक्वल, भाई क्या मतलब एक एपिसोड से ज्यादा देखा नहीं गया था, इन सबके सामने में ये जो ना खड़े खड़े आग लगा देगा भाई। हनुमान द लेजेंड इसका जो वॉइस ओवर है वो इतनी तगड़ी है, उसमें जो लैंग्वेज की पकड़ है, जिस तरह वर्ड्स यूज किए गए, दैट्स ऑसम। और एनिमेशन की तो यार क्या ही बात, हनुमान जी, पता नहीं क्यों हनुमान जी फील कर लेता हूं मैं कि हाँ ये हनुमान जी हैं और रियल वाले लग रहे हैं, तो मैं काफी एक्साइटेड हूं इसके लिए। आप इसके बारे में बताना आपको क्या लगता है। ओके, तो हनुमान जी की जब बात हो ही रही है तो सिंघम अगेन की तरफ से गाना ड्रॉप कर दिया गया है और ये एक तरह से इंट्रो सॉन्ग है, किसका, रणवीर सिंह का, एज बजरंग बली, जय बजरंग बली, ये गाना आया हुआ है। और देखने के बाद मां कसम पूरा मूड खराब हो गया है। अब से मैं एक प्रण लेता हूं कि जब तक फिल्म मैं देख ना लूं उससे पहले आप कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं देखने वाला। जब ये कपिल शर्मा के शो में आएंगे तब मैं देखूंगा, जब ये बिग बॉस में आएंगे प्रमोट करने के लिए तब मैं देखूंगा, लेकिन यूट्यूब पे कोई अगर प्रमोशनल आइटम आया मैं नहीं देखूंगा, ये मैं प्रण लेता हूं ताकि मैं पूरी तरह से फिल्म एंजॉय कर पाऊं। आपका क्या टेक है बताना। बाय द वे गाने की अगर बात की जाए तो हां अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन ये सारी चीज बचा के रखो ना यार, सब दिखा ही दे रहे हो, फिल्म की कहानी गिव अवे कर दिया, कैमियो गिव अवे कर दिया, सारी चीजें तुम गिव अवे ही किए जा रहे हो, क्यों क्यों तुम्हारी फिल्म मतलब दिखानी नहीं है क्या। जब बात सिंघम अगेन की हो ही गई है तो बात कर लेते हैं सिंघम के बारे में, क्योंकि रोहित शेट्टी ने जो है इस फिल्म को रिलीज कर दिया गेटी गैलेक्सी में और वहां पे ये फिल्म अभी भी लगी हुई है, आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो, मुझे देखने की जरूरत नहीं, मैं भी बादल यादव के जैसे अमेज़न पे देख लूंगा यार, क्या दिक्कत है। पर सच बताऊं तो भाई हां वो फिल्म की बात अलग थी, उस फिल्म को आप रीवॉच कर सकते हो, दोबारा जाकर के देख सकते हो, थिएटर में मजा ले सकते हो। वो क्वाइन वाला जब भी एक्शन होता है, रोहित शेट्टी का ये सिग्नेचर है, एक्शन सीन में जब पंच पड़ता तो आवाज क्वाइन की आती है, तो भाई उसको आप एंजॉय करोगे। एंड दैट जयकांत शिकरे सब कुछ करने का, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का, भाई कड़क लगता है। तो आपको अगर चाहिए तो जाकर के देख सकते हो, अगर आप हो बांद्रा में हो, मुंबई में हो तो देख सकते हो। बाय द वे कहीं और रिलीज नहीं किया, इनको पूरा इंडिया में रिलीज करना चाहिए, जैसे कि गदर 2 से पहले गदर आया था बिल्कुल वैसे ही कर देना चाहिए। 15 दिन बाकी, अभी भी मौका है, कर दो रिलीज ऑल ओवर इंडिया, लोगों को रिकॉल होगा और लोग उसी
उसी जोश में आकर के देख जाएंगे यार। जब सिंघम और सिंघम अगेन की बात हो ही गई है तो भाई दोनों फिल्म एक साथ आने वाली है। नहीं, सिंघम की बात नहीं कर रहा हूँ, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन, ये दोनों एक साथ एक ही दिन में रिलीज होने वाली है, टकराने वाली है। लेकिन भाई इसका जो मैंने गाना देखा है वो गाने के बारे में बात करना चाहता हूँ। लोगों को पता नहीं क्यों ये सुमित कड़ेल, तेरे पिछवाड़ में लात पड़नी चाहिए, जूते पड़ने चाहिए साले, कहीं पे दिख गया ना कोलकाता में बिरयानी छीन के तेरे मुंह पे प्लेट मारूंगा। सच बता रहा हूँ साले, कितना पैसा खाता है यार तू, कितना पैसा खाता है, बोलता है वन ऑफ द बेस्ट डांस आई हैव एवर सीन। साले तुझे डांस का देवता नहीं दिखता ऋतिक रोशन? हाँ, वो हल्का सा हिल जाए ना थिएटर हिल जाएगा भाई। तू बोल रहा है कि आई हैव एवर सीन, कैसे बोल सकता है? अरे चल जाने दे, तेरे को शाहिद कपूर याद नहीं आया? अरे इंडिया का माइकल जैक्सन प्रभु देवा याद नहीं आया? तू कहते हैं सबसे बेस्ट डांस मैंने देखा? पैसा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या कि घटिया चीज को भी अच्छा बोलते? भाई देखो, ये जब गाना आ रहा था पहले ही लाइन में मैं गुनगुना गया, तू मेरी खामोशी है भाई, वहीं पे मैं एकदम गुनगुना गया। उसके बाद से जो गाने ने हगा है ना भाई, क्या बोलूं मैं, मतलब कुछ भी अंड शंड बंड, मतलब कितने सारे वर्जन डाल दिए हैं और मेरे को शॉक लगा। हे राम, जैसे आया मैं बोला भाई ये सुना है, और फिर याद आया यार ये वही है जो मीम वायरल हुआ था। फिर बाद में पता चला यार इसको क्रेडिट दिया है, हाँ पटी पड़ी है, जब तुम सबको स्ट्राइक मारोगे क्या पता वो बंदा स्ट्राइक मार दे, उससे अच्छा ले तेरा नाम लिख दिया। तो सच बताओ, ऑनेस्ट बताओ, मुझे ये गाना बिल्कुल से भी नहीं जमा। और कब तक एक ही गाने को घोटोगे? इस गाने को सुनने के बाद मैंने अपने कान और आंख को शुद्धि करने के लिए मैंने जाकर के अक्षय कुमार वाला जाकर के फिर से गाना देखा। उस गाने को तुम एक बार देखो यार, वो स्वैग आज भी बरकरार है, आज भी आपको पागल बना सकता है। सच सच बताना, अंधा फैन मत होकर के बोलना, सच सच बताना कि जो जो वो स्टेप कर रहा था, जिस तरह से अपने फेस एक्सप्रेशन दे रहा था कार्तिक आर्यन, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अक्षय कुमार को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है? जिस तरह एक तो नाक उसकी भी शार्प है और अक्षय कुमार की भी शार्प है, तो भाई क्यों ये कर लेते भाई? उस गाने के अंदर में अक्षय कुमार का कैमियो करवाते, उसी गाने पे जो है अक्षय कुमार को वही टोपी वही अपना टाई को सेट करते हुए बंदे एक बार इधर देख भाई, हिला डालता बंदा। नहीं लेकिन तुमको वही करना है, पतले से चश्मे पहना करके अपने सीढ़ियों पे डांस, ठीक है चलेगा। बताओ तुम लोगों को कैसा लगा भूल भुलैया 3 का टाइटल ट्रैक कैसा लगा बताना भाई। इन दोनों का अपडेट खत्म ही नहीं रहा है, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 अपना वॉर छेड़ दिया है। हर जगह पे देखो तो कहीं पे पेट्रोल पंप में जो है वो कार्तिक आर्यन का लगा हुआ है, किसी पेट्रोल पंप पे जो है जाकर के देखो तो भाई सिंघम अगेन का लगा हुआ है। मतलब दोनों जबरदस्त तरह से टकराने वाले हैं। बाय द वे मुझे अच्छा लगा कि कार्तिक आर्यन ने कहा कि मैं दोनों मूवी देखूंगा, क्योंकि सामने वाला मूवी जो हुआ एक्शन एंटरटेनर है और यहाँ पे जो है कॉमेडी है, तो दोनों में बहुत फर्क है और दोनों अलग अलग जॉनर की मूवी है, दोनों देखनी चाहिए, तो मैं तो देखूंगा भाई। ये काफी अच्छा लगा, हाईली अप्रिशिएटेड। वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं, जाते जाते दो लास्ट न्यूज बता करके जाता हूं। एक इमरजेंसी जो है वो दोबारा से अपना रिलीज डेट लाने वाली है और वो रिलीज डेट 20 नवंबर के आसपास होने वाला है। वहीं पे एक और मूवी जिसके बारे में भाई लोग कान खा चुके हैं पूछ के, बता कब रिलीज हो रहा है, बता कब रिलीज हुआ है, डेट चेंज हुआ तो कौन सा डेट है, तो भाई पुष्पा 2 कमिंग आ रहा है। जैसे उन्होंने बता दिया था पहले ही, फर्स्ट हाफ का एडिट हो चुका है, 75 days to go, 50 days to go का भी आ चुका है कि भाई पुष्पा फिर से अपना एक नया अवतार लेकर के आ गया। पोस्टर इतने सारे हैं, सोच रहा हूँ कहानी के अंदर में कितने सारे रूप बदलने वाला है पुष्पा। भाई जो भी हो बंदा एकदम कड़क है, और जो भी लोग सिटकॉम के बारे में जानते हैं, जो जरा देख करके बता नहीं ये बंदा पुष्पा के जैसे लग रहा है या नहीं, खास करके अल्लू अर्जुन का कॉपी लग रहा है या नहीं, सस्ता कॉपी नहीं बोलेगा, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली फील करवाता है कि ये बंदा पुष्पा के एकदम हूबहू दिखता है। कमेंट करके बताना ये लगता है नहीं, नाम अगर पता है इस बंदे का कमेंट करके वो भी बताना। सो दैट्स इट, दैट वाज द गरमा गरम खबर। और अभी जो है ये एपिसोड 39 मैंने कंप्लीट किया है, पता नहीं 50 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। आई एम नॉट सो कंसिस्टेंट विद दैट अपडेट बिकॉज कुछ खास नहीं आ रहा यार, कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, बार बार वीडियो डाल डाल के परेशान नहीं करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा बताओ यार जो कि सच्ची में सुनने लायक हो, मैं ऐसा क्यों बताऊँ यार, बस छोटी सी यार यार पता है ये ऐसे ही देख लेता हूँ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो भाई कमेंट करके जाना कि कैसा लगा है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, चैनल सब्सक्राइब करके।